بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا इससे पहले की आयतों में तलाक के बास अहकाम बयान किए गए थे और अखीर की आयतों में बतौर ख़ास ये बातें आई थी कि औरतें तलाक के बाद अगर उसके गोद में बच्चा है तो बच्चा की देखरेख और निगरानी करना कराना किसका काम है। तलाक हो जाने के बाद बच्चा को दूध पिलाने के लिए माँ से मुतालबा किया जाएगा, माँ अगर तैयार होती है दूध पिलाने के लिए तो माँ का खर्चा और बच्चे का खर्चा वालिद को देना होगा, और अगर वो तैयार नहीं है तो वालिद की जिम्मेदारी है कहीं और अपने बच्चे को परवरिश करने के लिए दे दे या किसी और को परवरिश व परदाख्त के लिए रख ले। इसी तरीके से अगर बीवी जो मुतल्लका है बच्चे की निगरानी करने पर ज़्यादा उजरत का मुतालबा करती हो जो मर्द के इस्तेताअत से बाहर है तो भी मर्द को ये इख्तियार दिया गया है कि किसी दूसरी औरत से अपने बच्चे का दूध पिलवा ले। जहां तक खर्चे का मामला है तो ये बात आई थी, अगर किसी इंसान के पास वसत हो ताकत हो इस्तेताअत हो तो अपने बच्चे की परवरिश पर खर्च करने में बखीली और कंजूसी न करें। तलाक हो जाने से बीवी आपकी अलग हो गई है लेकिन बच्चे तो आप ही के हैं, इसलिए उस पर खर्चा उसी एतबार से किया जाएगा जैसे आपके पास सहूलत है। फिर ये बात भी आपके अखीर में आई थी कि अल्लाह ताला किसी पर उसकी इस्तेआत से ज्यादा बोझ नहीं लादता है। आप 10 रुपये खर्च कर सकते हैं तो 10 ही खर्च कीजिए, 12 खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बसहूलत अगर 10 रुपये खर्च कर सकते हैं तो तलाक हो जाने के नतीजे में बच्चों के खर्च पर कमी करके 8 ही रुपये खर्च करेंगे तो आप अल्लाह के यहाँ मुजरिम गर्दाने जा सकते हैं। इन तलाक के अहकामों मसाइल बयान करने के बाद उसकी बात की आयतों में अल्लाह तबारक बताला ने गुज़श्ता नबियों की कौमों की तबाही और बर्बादी का तस्करा किया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तलाक को अल्लाह ने हुदूदुल्लाह से ताबीर किया है। ये अल्लाह की हदें हैं, इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह की हद है, इससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अगर तुम अल्लाह के हदों से आगे बढ़ोगे तो याद रखो तुमसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे गुजर चुके हैं जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल के फरमान की मुखालफत की तो उन पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हो चुका है। फरमाया वकअय्यिम मिन क़रियतिन अतत अन अम्र रब्बिहा व रुसुलिही, कितनी बस्तियां ऐसी गुजर चुकी हैं जिन्होंने अपने रब और अपने रसूल के फरमान की खिलाफ वर्दी की, फहासबना हिसाबन शदीदा, तो हमने उनका जबरदस्त हिसाब लिया, जबरदस्त मुहासबा किया, वअज़बना अज़ाबन नुकरा, और हमने उन्हें सख्त तकलीफ नापसंदीदा मुसीबत में मुबतला कर दिया।
ये दोनों अजाब दुनियावी भी हो सकते हैं। बाद मुफस्सिर ने कहा कि एक अजाब दुनियावी और एक अजाब उखरवी है। हिसाबे शरीर का मुराद होता है सख्त मुहासबा, सख्त नोटिस लेना, यानी अल्लाह के फरमान की खिलाफ वर्जी करना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ने जिस अहकामों जिन अहकामों कवानीन को हुदूद का दर्जा दिया है, अगर कोई इंसान उस हुदूद की खिलाफ वर्जी करता है, से तजावुज करता है, तो ऐसा मुजरिम गर्दाना जाएगा कि दुनिया के अंदर भी उसे जिल्लत व खारी की सजा दी जाएगी और मरने के बाद भी जबरदस्त अजाब से दो चार होना पड़ेगा। फ़ज़ाक़त वबाल अम्रिहा वकान आक़िबत अम्रिहा खुसरा। तो उन लोगों ने अपने करतूत की सजा चख लिया और आखिर में अंजाम कार यही हुआ कि उन्हें तबाही और बर्बादी से दो चार होना पड़ा। मुफस्सिरीन ने इन दो आयतों में जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है उससे मुराद है कौम नूह, कौम याद, कौम समूद, कौम फिरौन, कौम शैब वगैरह, जिन पर अल्लाह तबारक बताला का अज़ाब नाजिल हो चुका है। और कीजिए तकाबुल किस अंदाज का है, उन कौमों पर बड़े बड़े जुर्म की बुनियाद पर सजाएं आई। उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की खिलाफ वर्दी करने और अल्लाह के अहकाम से सरताबी करने पर वही अजाब देने की धमकी सुनाई। इसलिए आदमी निकाह और तलाक के मामले में बेहतियाती न करें। मसला बड़ा गंभीर है क्योंकि घरेलू मसाइल अगर सुधरे हुए रहते हैं तो इंसान बाहर के मसाइल को हल कर लेता है, और अगर घर में उलझा हुआ रहेगा तो बाहर की परेशानी और दर परेशानी होती चली जाएगी। अदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। सख्त अजाब से मुराद जहन्नम की अजाब। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब الذين آمنوا قد انزل الله اليكم ذكرا। बस ए अकलमंदो, अल्लाह से डरो जो लोग ईमान ला चुके हो। मुराद ए ईमान वाले अकलमंदो, अल्लाह ही से डरो। अल्लाह ने तुम्हारी जानिब जिक्र नाजिल कर दिया, जिक्र याद दहानी। जिक्र से मुराद नसीहत से पुर किताब यानी कुरान मजीद, यानी नसीहत के अंदाज में कुरानी आयात के जरिए से तुम्हारी मुकम्मल रहनुमाई की गई है। तुम अल्लाह पर अगर ईमान रखते हो तो ईमान का तकादा यह है कि अकलमंदी का सबूत दो, और अल्लाह पर ईमान लाने और अकलमंदी का सबूत देने के नतीजे में कोई तरीका तुम्हारा खिलाफ शरा ना होने पर इसका खास ख्याल करना। वरना जिस तरह गुज़श्ता कौमों को अजाब से दो चार होना पड़ा है, तुम भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो सकते हो। का रसूल यतलु अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुख्रिजल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। तुम्हारी जानिब अल्लाह ने जिक्र भेजा है, नसीहत भेजा है। बस लोगों ने इस जिक्र से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया है, यानी सरापा नसीहत करने वाली शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, जिसकी तफसीर है जिक्रन रसूला, मुजक्किर, सरापा जिक्र करने वाला रसूल, सरापा नसीहत करने वाला रसूल तुम्हारे पास भेजा। दूसरे मुफस्सिर ने कहा जिक्र से मुराद कुरान है, याद दहानी है, और उस कुरान के शारे के तौर पर, तशरी करने वाले के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा गया। क्या काम करते हैं, यतलु अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, ये रसूल तुम्हारे ऊपर अल्लाह की वाज़ह आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। कुरान के कोई हुक्म, कुरान का कोई हुक्म गुंजलक नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं समझा जा सकता है, अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो अल्लाह के रसूल आपको समझा ही दें। इस मुनासिबत से फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी जानिब जिक्र भेजा, यानी किताब को भेजा है, नसीहत से पूरी किताब को भेजा है, और सरापा नसीहत करने वाला रसूल को भेजा है। उस रसूल का काम क्या है,
वो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की वादे आयते पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। सुनाने के मकसद क्या है? लियुखरिजल लदीन आमनु अमिलुस्सालिहात मिनज़ुलुमात इलन्नूर, ताकि वो उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल साले किए, ईमान और अमल साले करने वालों को मुख्तलिफ किस्म की तारीखियों और अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। अब देखेंगे कुरान में जहां तारीकी का तस्करा किया है वहां जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अकीदे की तारीकी हो सकती है, अमल की तारीकी हो सकती है, इलाकाई तारीकी हो सकती है, खुश्की और तरी की तारीख हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की तारीकियां हैं, फसाद अकीदा की तारीकी है। उन तमाम तारीकियों को दूर करने के लिए सिर्फ एक नूर का तस्करा किया है। कुरान के अनवार नहीं कहा है, मैंने जुलमात इलन अनवार नहीं कहा, तारीकियों से निकाल कर रोशनियों की तरफ ले आए। रोशनी हकीकत में एक ही है, वो या तो कुरान की रोशनी है या रसूल की रोशनी है, जिसे कह सकते हैं इस्लाम की रोशनी। मुराद जिक्र भरी किताब को तिलावत करके ये अल्लाह के रसूल तुम्हें जो ईमान ले आ चुके हो मुख्तलिफ किस्म की तारीकियों से निकाल कर अल्लाह की रोशनी की तरफ ले जाना चाहता है। वमन युमिन बिल्लाहि वयअमल सालिहा युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा कद अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ा। जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाता है और अच्छे आमाल बजा लाता है, तो ऐसे ही इंसान को अल्लाह ताला ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी है, और ये ईमान व अमल साले करने वाले उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। जन्नत में दाखिले के लिए दो बुनियादी शर्तें बतलाई जाती हैं, एक है ईमान और दूसरा अमल साले। इन दोनों के दरमियान चोली दामन का साथ है, ये दोनों एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते। आपके ईमान का एतबार उसी वक्त होगा जो उस ईमान के जरिए से अच्छे अमाल बजा लाएंगे, और आपके अच्छे अमाल अल्लाह की बारगाह मुसीबत कबूल होंगे जब उसके साथ ईमान जुड़ा हुआ होगा। ईमान नहीं तो अमले साले के एतबार नहीं, और अमले साले नहीं तो आपका ईमान भी बेकार है। फरमाया जो अल्लाह पर ईमान रखता है और अमले साले करता है, अल्लाह ताला इसे इंसान को जन्नत में दाखिल कर देता है। वो हदीस भी आपके सामने रहनी चाहिए कि कोई इंसान आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। जब सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी से कहा वला अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अपने आमाल की वजह जन्नत में नहीं जाएंगे, कहा वला अना मैं भी नहीं जाऊंगा, इल्ला अय्यदगम्मदनी अल्लाह रब्बी बिमग़फिरतिन व रहमहा, अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत और अपनी मगफरत के साये में जगह देगा तब मैं जन्नत में जा सकूं। मुराद क्या है कि ईमान व अमल इख्तियार करना तो हमारा काम है, अल्लाह के मेयार मतलूब के मुताबिक हमारा ईमान व अमल है कि नहीं है वो अल्लाह को मालूम। हम तो समझते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर दिया, लेकिन वह अल्लाह के मेयार मतलूब के मुताबिक नहीं है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर रहम व करम करता है, उनकी खताओं को बख्श देता है और फिर उसके बाद जन्नत में ले आता है। तो ईमान, अब अगर कोई इंसान बोलता है जब अमल की कोई जरूरत ही नहीं तो अल्लाह बड़ा परवरदिगार आमरजगार बख्शने वाला है, अल्लाह बख्श देगा, ढिटाई है। इसलिए अल्लाह ने जहां गफ्फार और गफूर रहीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वही मुतकब्बिर मुतआल काहिर कहार का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। इसलिए अगर अल्लाह की रहमतों से उम्मीद है तो अल्लाह के अदाब का डर भी लगा रहना चाहिए। फरमाया जो इंसान ईमान लाता और अमल साले करता, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कद अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा, अल्लाह ने उनके लिए बेहतरीन रोजी तैयार कर रखी है। जन्नत में इंसान जाएगा, सारी तकलीफ दुनिया की भूल जाएगा और सारा आराम उससे मुयस्सर हो जाएगा। छोटी सी भी जन्नत मिल जाए बहुत बड़ी नेमत हो जाएगी। इन आयतों में ईमान व अमल साले को
जन्नत में दाखिले का जरिया बताया गया है और साथ साथ अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी को जहन्नम में दाखिल होने का जरिया बताएगी। बस अगर हम चाहते हैं जन्नत में दाखिल होना तो नाफरमानी से बचे, फरमा बरदारी करें। अल्लाह तौफीक अता फरमावे। अल्लाहु अल्लज़ी खलक सबअ समावातिन वमिन अल-अर्द मिस्लहुन يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما। अल्लाह वो है जिसने सात आसमान पैदा किए, वमिन अल-अर्द और जमीने भी सात पैदा किए, उसी जैसी इस तरह सात आसमान है उसी तरह अल्लाह ने जमीन को भी साथ बनाया है। आसमान साथ है हमने देखा नहीं है और अभी तक साइंसदानों की पहुंच ये आसमानी दुनिया तक भी नहीं हुई है, लेकिन कुरान मुकद्दस के बयान के मुताबिक हमारा अकीदा है तह बता सात आसमान है, जिसकी तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने कर दी है कि मेराज की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता सातों आसमान के दरवाजा खटखटाकर इजाजत लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहुंचाया है। इसलिए अगर कोई बात हमारे जहन में नहीं समाती है हमें उसका इनकार नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों ने सात जमीन को सात बर्रे आजम से और सात आसमान को सात अकालीम से तज़किरा किया है, वो खामखा की बात है। अकीदा यह है ऊपर नीचे बाज़ाब्ता सात आसमान है। जब सात आसमान जिस तरह है उसी तरह अल्लाह ने कहा अवल वमीन अल-अर्द मिस्लहुन्ना और इसी तरीके से उसी जैसे सात जमीन भी हैं। अलबत्ता सात आसमान का तस्किरा हदीस में तो इस तरह तह बता मिल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान पे चढ़े, लेकिन सात जमीनों का तह बता होना किसी हदीस और कुरान में सराहत नहीं है। जब सराहत नहीं है तो हमें इस कुरान के मानने पर, कुरान की बात मानने पर इक्तफा कर लेना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, हदीस के अंदर भी सात जमीन का जिक्र है लेकिन कैफियत क्या है वो अल्लाह को मालूम है। चुनांचे फरमाया कि अगर कोई इंसान मन अखदा शिबरन, कोई इंसान किसी आदमी की एक बालिश जमीन ले लेता, हड़प लेता है, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन सातों जमीन को उसके गला का तौक बना के डाल देगा। कैसे डालेगा अल्लाह को मालूम, लेकिन हदीस सही है, बुखारी की हदीस है। क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी आदमी की एक बालिश जमीन हड़प लेता है, गसब कर लेता है, तो उसकी सजा के तौर पर कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सात तबक जमीन को उसकी गर्दन में डाल दे। इससे गसब करने की मजम्मत वादे होती है, किसी की चीज ले लेना कितना खतरनाक है अंदाजा लगा सकते। दूसरी बात, उस हदीस ये भी साबित हुई उसमें सात जमीनों का तस्करा है, अलबत्ता उसकी तफसील नहीं है, लेकिन जब तफसील नहीं है तो हमको इतना ही मानना पड़ेगा जिस तरह सात आसमान है उस तरह सात जमीन भी है। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, इन आसमानों और जमीनों में अल्लाह का फरमान उतरता रहता है। इसकी भी ज्यादा तशरीह हदीस और कुरान में नहीं है। यहां पर कुछ लोगों ने कहा जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर भेजा गया, उसी तरीके से हर आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर में अल्लाह ताला ने अलग अलग नबी को भेजा है। ये किसी हदीस में भी नहीं है, किसी कुरान में भी नहीं, लेकिन लोग इस तरह बयान करते हैं। जब नहीं है तो हमें उसे बयान करने की जरूरत नहीं है और उसे मानने की भी हाजत नहीं है। बस मजमूई तौर से मानना चाहिए। कुरान कहता है यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, अल्लाह ताला आसमानों जमीनों के दरमियान अपना फरमान जारी करता रहता है, उतारता रहता है। क्यों उतारता है? लिताअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ताकि तुम लोग जान लो कि यकीन अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। अल्लाह अगर सात आसमान बना सकता है, सात जमीन बना सकता है,
तो सातों आसमान और सातों ज़मीन के दरमियान अल्लाह तबारक बताला अपना फरमान भी उतार सकता है, जारी कर सकता है। और फिर फरमाया وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, और यकीन अल्लाह ने अपने इल्म के जरिए से हर चीज को इहाता कर रखा, हर चीज को घेर रखा। हमारा आपका मामला यह है कि जहां तक हमारी निगाह आती उसी को देखते हैं, अगर आगे देखते हैं तो दाएं बाएं दिखता नहीं, पीछे तो दिखता ही नहीं है, ऊपर देखते हैं तो नीचे कोई नजर ही नहीं आता। लेकिन अल्लाह तबारक बताला ने अपने इल्म का तस्करा इस तरह किया है कि तहबता सात आसमान है, तहबता सात जमीन है, सातों आसमान और सातों जमीनों के दरमियान जितनी मखलूकात है उन सारी मखलूकात की मुकम्मल फहरिस्त मालूमात अल्लाह तबारक वताला के पास है। हम कारखानादार होते हैं, हमारे कारखाना में, हमारे गुडाउन में, हमारे दुकान में कितना सामान हमको पता नहीं है। कभी कभी हमारी लाइलमी के नतीजे हमारा सामान बर्बाद हो जाता है, बेचने वाला सामान यह है दिखता नहीं है, कुछ दिन पीछे रह गया, चूहा काट दिया या पानी से नुकसान हो गया, कुछ चला गया, पता नहीं चलता है। तो ये हमारी कम इल्मी का नतीजा है। अल्लाह तबारक वताला ने कहा कि आसमानो जमीन का सारा निजाम हमारे सामने है, आसमानो जमीन की इस्लाह के लिए हम सारे अहकाम कवानीन भी नाफिज करते रहते हैं, और इसी पर बस नहीं है बल्कि किसको कितना किस वक्त में क्या चीज की जरूरत है हम उसे जानते हैं और उसी एतबार से उसे बहम पहुंचाते हैं। अगर कभी आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा या नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह देखा होगा, मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कैसे अल्लाह तबारक बताला उनको रोजी पहुंचाता है, आप जरा उसे देखेंगे तो अंदाजा होगा कि कैसी कैसी मखलूकात है और किस तरह अल्लाह तबारक बताला उसे रोजी पहुंचाता है। गोया वो सारी चीज अल्लाह तबारक बताला की निगाह में है, जिनको जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है अल्लाह उसे पहुंचा देता है। क्या फरमाया अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह कद अहद बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह ने हर चीज को अपने इल्म के जरिए से घेर रखा है, यानी इल्म के जरिए से सारी चीजों को जान रहा है, देख रहा है और उसकी जरूरत के मुताबिक उसे आसानियां बहम पहुंचा रहा है। सूरह तलाक की आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह तबारक वताला ने तलाक के मसले को बयान किया। शुरू में कहे नबी जब औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत को गिनने के लिए, इद्दत का ख्याल करने के लिए तलाक दो, और आखिर में कहा कि अल्लाह तबारक बताला ने हर चीज का इहाता कर रखा है। मकसद क्या है? तलाक देने और लेने के मामला में इंसान बड़ा गैर मोहताद हो जाता है, एक दूसरे के खिलाफ हिदयान बकने से भी गुरेज नहीं करता है। कुरान कहता है तुम छोटी छोटी बात को अल्लाह से छिपाते हो। अल्लाह तबारक बताला तुम्हारे जहनों दिमाग से परे चीजों को भी जानता है। तो मियां बीवी में क्या होता है अल्लाह जानता ही है, बंदे बहुत सारे जान जाते हैं, जिनको बंदा जान जाता है अल्लाह उसे कैसे नहीं जाने। जब तुम्हारे सामने अल्लाह तबारक बताला के इल्म की ऐसी हैसियत होगी कि अल्लाह ताला हर चीज को देखता है, बारीक भी है छोटी छोटी चीजों को देखता है, तो कोई चीज अल्लाह तबारक बताला से तुम छिपा नहीं सकते। लाख छिपाओगे वो चीज छुपेगी नहीं, जब छुपेगी नहीं तो हमें आहिली मैदान में, घरेलू जिम्मेदारियों में, बाहर के मामलात में, इनफरादी इज्तिमाई चीजों में हमें अल्लाह उसके रसूल के फरमान की अहमियत को समझना चाहिए और उसी रोशनी में अच्छे आमाल बजा लाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें और आपको जुमला मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में सही अकीदा आमाल बजा लाने की तौफीक मरहमत फरमाए। यहाँ पे सूरह तलाक़ ख़त्म, इंशाअल्लाह आइंदा सूरह तहरीम की तिलावत व तफसीर।